हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। आज के इस लाइव सेशन में हम कंप्लीट करेंगे हमारे जनवरी 2018 के करंट अफेयर्स। और ये हमारे जो करंट अफेयर रहेंगे, डिफेंस के एग्जाम जितने भी होंगे आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी जितने भी एग्जाम है वहां भी आपके लिए यूजफुल रहेंगे, लेकिन हमने जो स्पेशली ये बनाए हैं ये होंगे आपके डिफेंस के एग्जाम्स के लिए। तो बाकी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ से। तो फिलहाल जो है हमारे पास करंट अफेयर बने हुए हैं, बस आप लिख भी सकते हैं अपने पास। और अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लगभग लाइव सेशन खत्म होने के आधे घंटे के अंदर। तो आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, लेकिन फिलहाल आपको जस्ट हम बताएंगे यहाँ से, आप लिख सकते हैं अपने पास, नोट कर सकते हैं, जैसे भी आपको यूजफुल लगे आप इनको लिख सकते हैं। तो फिलहाल जो है सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग, और हम अपना लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया ड्यू टू टेक्निकल इश्यू, बिकॉज आजकल काफी आ रहे हैं टेक्निकल इश्यूज जितने भी हैं, तो उस वजह से फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स। जनवरी 2018 के जो हमारे करंट अफेयर हैं इनको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ, हाँ बिल्कुल जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हेलो हाय, ठीक है। अब जो है साउंड आ रही है या नहीं आ रही है बस इतना क्लियर कर देंगे जल्दी से। और ये सेशन आपको बाद में भी देखने को मिल जाएगा, बिकॉज करंट अफेयर्स हैं, लाइव रखने का अलग मीनिंग है। आप अगर कोई भी किसी भी काम में बिजी हैं तो आप बाद में भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ये सेम एक वीडियो की तरह आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो, ठीक है, आ रही है आवाज जो है वो बिल्कुल आ रही है। आज हम किसी के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, बस डायरेक्ट हम अपने करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनवरी 2018 में अगर हम करंट अफेयर में बात करें तो अवार्ड्स की बात करते हैं। तो अवार्ड्स में हमारे पास सबसे पहले है, मैं यहां से पेन सेलेक्ट कर लेता हूं फिर हम बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवार्ड्स की। तो अवार्ड्स में सबसे पहले है जो यश चोपड़ा नेशनल मेमोरियल अवार्ड मिला है। तो यश चोपड़ा नेशनल मेमोरियल अवार्ड फॉर 2017 ये मिला है आशा भोसले जी को। तो फर्स्ट अवार्ड आपने ये याद रखना है। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या हो जाता है कि 2017 के लिए मिला ये। तो यश चोपड़ा नेशनल मेमोरियल अवार्ड 2017 ये मिला है आशा भोसले। सेकेंड जो है द मेंबर ऑफ नीति आयोग, ठीक है, इनको जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्राइज दिया है। और फर्स्ट इंडियन है ये जो इनको ग्लोबल ऑनर मिला, ये है डॉक्टर विनोद पॉल। तो ये भी आपने याद रखना है, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस ग्लोबल ऑनर। ग्लोबल ऑनर जो है WHO की तरफ से वो सबसे पहले मिला है डॉक्टर विनोद पॉल को। तो यह आपने जस्ट इतना याद रखना है। उसके बाद है हमारे पास फर्स्ट मुफ्ती मोहम्मद सैयद अवार्ड। तो ये जो है ये जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने दिया है, फर्स्ट टाइम दिया गया है, सबसे पहले जो दिया है ये मिला है नीतीश कुमार जी को, फर्स्ट मुफ्ती मोहम्मद सैयद अवार्ड। नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर हैं इनको ये दिया गया है, और पॉलिटिक्स से रिलेटेड इनको ये प्रोवाइड किया गया दिया गया है। तो ये आपने कुछ अवार्ड है जो याद रखने हैं। लास्ट जो है ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये आपको पता है, अगर आप पहले वाले हमारे करंट अफेयर देख रहे होंगे तो आपको काफी अच्छे से क्लियर होगा कि यहाँ पर हम सिर्फ वही करंट अफेयर करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको बाकी के करंट अफेयर पढ़ने हैं तो आपको बहुत जल्दी जो है वो पीडीएफ फाइल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अभी जो है वो अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी, लगभग आधे या एक घंटे बाद आपको मिल जाएगी पीडीएफ फाइल। तो आप कंप्लीट वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर, careerstudydefense.com पर जाकर। फिलहाल बात करते हैं डिफेंस के करंट अफेयर्स की। तो डिफेंस के करंट अफेयर्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले है थर्ड स्टेट ऑफ आर्ट्स स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स। तो ये आपको बताया था कि जो इंडिया है इसने सबसे पहले बनाया था, जो इंडिया का स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन बना था उसका जो है थर्ड स्टेट फिलहाल जो है वो लॉन्च हो गया है मुंबई में, और उसका नाम है INS करंज। तो ये आपने याद रखना है INS करंज, और ये थर्ड स्टेट ऑफ आर्ट्स स्कॉर्पिन है। तो आपने फर्स्ट और सेकंड भी याद रखने हैं, वो आपको करवाए हुए हैं करंट अफेयर में। नेक्स्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इंडिया एंड वियतनाम जो है इन्होंने फर्स्ट टाइम मिलिट्री एक्सरसाइज की है जिसका नाम है विनबैक्स, VINBAX 2018। तो ये आपने जरूर याद रखना है, इंडिया एंड वियतनाम ने फर्स्ट टाइम मिलिट्री एक्सरसाइज की है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है विनबैक्स 2018, और ये हुई MP में, जबलपुर में।
उसके बाद जो इंडियन यूनाइटेड स्टेट की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका जो नाम था ये था वज्र प्रहार। ठीक है, ये काफी ज्यादा होती है तो इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिलहाल फिर भी आपने याद रखना है बिकॉज यूएस के साथ हमारे जो रिलेशन है वो काफी अच्छे हैं, तो आपने याद रखना है ये। उसके बाद जो है ये आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इंडियन आर्मी रेजिमेंट जो एफिलेट हुई है इंडियन नेवल शिप INS विक्रमादित्य। ठीक है, जो INS विक्रमादित्य है वो एफिलेटेड हुआ है इंडियन आर्मी रेजिमेंट जिसका नाम है बिहार रेजिमेंट। और इसमें और साथ में क्या क्या है, एयरफोर्स के 6 स्क्वाड्रन भी इसमें शामिल हैं जो एफिलिएट हुए हैं बिहार रेजिमेंट के साथ। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो है प्लेसेस की अगर हम बात करें, प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर एग्जाम में आपको प्लेसेस से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। तो प्लेसेस की बात करते हैं, सबसे पहले है इंडियन रेलवे ने डिसाइड किया है कि वो अपने कोच फैक्ट्रीज जो है वो मैन्युफैक्चर करें, तो ये कहाँ उन्होंने मैन्युफैक्चर करने हैं, लातूर में करने हैं। तो आपने याद रखना है लातूर में इंडियन रेलवे जो है महाराष्ट्र का प्लेस है ये लातूर, जहां पर वो अपने कोच मैन्युफैक्चरर करेगा। उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश का प्लेस है जयरामपुर। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है अरुणाचल प्रदेश का जो प्लेस है जयरामपुर, यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार मेमोरियल म्यूजियम म्यूजियम जो है वो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू द्वारा बनाया जा रहा है। और पेमा खांडू जी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1% पैरेलल रिजर्वेशन। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, 1% पैरेलल रिजर्वेशन। तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो ऑर्फेंस हैं, ठीक है, ऑर्फेंस यानी कि जो अनाथ हैं उनको गवर्नमेंट जॉब में 1% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। उसके बाद है हमारे पास 7th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव। ये आप लिख सकते हैं अपने पास, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का जो 7th एडिशन है वो कर्नाटका में हुआ और 14 से लेकर 20 जैन 2018 में ये हेल्ड किया गया, तो कर्नाटका स्टेट ने इसको हेल्ड किया है। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट आपने याद रखना है जो रेलवे स्टेशन है, जो माटुंगा जो रेलवे स्टेशन है इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। रीजन क्या रहा, क्यों इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में रखा गया, बिकॉज 6 मंथ से यहाँ पर ओनली वुमेन स्टाफ है। ठीक है, वुमेन स्टाफ ही इसको हेल्ड कर रहा है, टोटल जितने भी यहाँ पे प्रोसीजर चल रहे हैं तो लास्ट 6 मंथ से चल रहा है, तो इसलिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया। तो आपने याद रखना है सेंट्रल रेलवे में माटुंगा जो रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है द इंडियन स्टेट विच हैज बैंड द मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन सेल परचेज डिस्प्ले एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ ई सिगरेट्स। तो ई सिगरेट का जो बैन है वो कौन लगा सकता है, ये आप वैसे ही समझ सकते हैं बिहार स्टेट है जिन्होंने इसको बैन किया है। तो आपने याद रखना है बिहार स्टेट ने ई सिगरेट के लिए हर चीज बैन कर दी है, चाहे उसका मैन्युफैक्चर की बात हो, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, सेल परचेज डिस्प्ले या फिर एडवर्टाइजमेंट की भी बात हो, तो वो सारा कुछ यहाँ पे बैन कर दिया गया है। और फिलहाल जो है ये हमारा लाइव सेशन है, इसमें मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्टली हम बात कर रहे हैं एक वीडियो की तरह, जैसे एक वीडियो बनाते हैं। इसमें बेनिफिट ये है कि डायरेक्ट लाइव सेशन के थ्रू ही जो वीडियो बनती है वो खुद ही अपलोड हो जाती है, तो मुझे ज्यादा यहाँ पे कुछ भी एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इसी वे में वीडियो तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। तो फिलहाल जो है मैं कमेंट तो नहीं पढ़ रहा हूँ, अगर आप साथ साथ में देख रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप बाद में भी इसको चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और PDF फाइल बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है हमारे पास कंट्री विच हैज डिसाइडेड टू यूज चाइनीज करेंसी युआन फॉर इट्स बायलेटरल ट्रेड विद चाइना। तो चाइना के साथ बायलेटरल ट्रेड जितने भी होंगे, ठीक है, जो उनके व्यापार होंगे, द्विपक्षीय व्यापार जो होंगे, उनमें जो चाइनीज करेंसी है उसको उन्होंने वैलिड मानना है, युआन को यूज करना है। तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान कंट्री है जो युआन को यूज करेगा, चाइनीज जो करेंसी है युआन उसको यूज करेगा जहां भी उनका बायलेटरल ट्रेड होगा, तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद है फर्स्ट टाइम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम 5% वैट लगाया, इससे पहले वहां पर था ही नहीं। तो 5% वैल्यू एडेड टैक्स जो लगाया है UAE एंड सऊदी अरेबिया ने, तो इन दोनों का भी आपने याद रखना है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है
105th इंडियन साइंस कांग्रेस जो है ये हेल्ड हुआ 18 to 22 जैन 2018, हुआ कहाँ पर, ये मणिपुर यूनिवर्सिटी इम्फाल में। तो ये भी आपने याद रखना है, 105th इंडियन साइंस कांग्रेस ये हर साल होता है ये, तो 105th है इस टाइम ये। उसके बाद है द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विच हैज बीन डिक्लेयर्ड ओडीएफ, ओडीएफ यानी कि ओपन डिफेक्शन फ्री, बिकमिंग द सेकेंड इन द रीजन आफ्टर सिक्किम। तो सबसे पहले सिक्किम स्टेट थी जिसको ओडीएफ यानी कि ओपन डिफेक्शन फ्री, जो भी ओपन डिफेक्शन होते हैं उनसे फ्री जो है, सबसे पहले सिक्किम था। उसके बाद सेकेंड नंबर पर डिक्लेयर किया गया है अरुणाचल प्रदेश को। तो फिलहाल जनवरी 2018 में अरुणाचल प्रदेश को डिक्लेयर किया गया, उससे पहले सिक्किम था। तो आपने दोनों याद रखने हैं। उसके बाद जो प्रमुख पर्सन रहे हैं, किसी ना किसी वे से वो चर्चा में रहे, चाहे कोई अपॉइंटमेंट हुई या किसी की डेथ हुई उस तरह से, तो पर्सन जो रहे, फेमस पर्सन जो रहे 2018 जनवरी में, तो वो है सबसे पहले द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखिए जितने भी आपके स्टेट के एग्जाम होंगे ना, वहां पर एक क्वेश्चन जरूर होगा इस तरह का, बिकॉज चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो स्टेट के जो कमीशन होते हैं वो पूछ लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो न्यू चीफ इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया के, ये बने हैं ओम प्रकाश रावत। ओम प्रकाश रावत इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे श्री अचल कुमार ज्योति। तो आपने याद रखना है, न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने ओम प्रकाश रावत, इससे पहले थे श्री अचल कुमार ज्योति। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिसंबर 2017 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो अचल कुमार ज्योति होंगे, बिकॉज जनवरी 2018 में ओम प्रकाश रावत बने हैं। उसके बाद है द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन बने हैं? ये बने हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, और ये पहले जो है गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो इनको बनाया गया गवर्नर मध्य प्रदेश का। उसके बाद है न्यू चेयरमैन ऑफ स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो न्यू चेयरमैन बने हैं ये है श्री कैलाश वाडिवू शिवन, श्री कैलाश वाडिवू शिवन, इनको बनाया गया है न्यू चेयरमैन। तो ये भी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिफेंस से रिलेटेड भी, स्पेस से रिलेटेड आप ये क्वेश्चन रख सकते हो। उसके बाद है सिक्किम स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर, तो आपने याद रखना है ब्रांड एम्बेसडर जो सिक्किम स्टेट के बने हैं वो है AR रहमान। नेक्स्ट है पावर लिफ्टर इंडिया के एंड वर्ल्ड चैंपियन जो थे, जिनकी डेथ हो गई 7 जैन 2018 को, ये थे सक्षम यादव। सक्षम यादव जी की डेथ हुई, तो ये भी आपने याद रखना है। और इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है स्पेस से रिलेटेड, द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एंड द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू फ्लाई सिक्स स्पेस मिशन में सबसे पहले पर्सन जो फ्लाई किए गए, और ये 9th पर्सन है जिन्होंने मून पर कदम रखा, यानी कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले 9वें व्यक्ति, और सिक्स स्पेस मिशन में चलने वाले पहले व्यक्ति जो है इनका नाम है जॉन वाट्स योंग, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है ये। उसके बाद स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो स्पोर्ट्स के कुछ इंपोर्टेंट जो करंट अफेयर्स रहेंगे आपके जनवरी 2018 के, सबसे पहले है द होस्ट कंट्री ऑफ 2018 वुमेन्स वर्ल्ड T20, तो वेस्ट इंडीज में होगा ये, ठीक है, और ICC ने ये अनाउंस कर दिया है, तो वेस्ट इंडीज में। और ये जो है सेकंड, यूसुफ पठान जी को BCCI ने 5 मंथ के लिए बैन किया था, आई थिंक फिलहाल जो है बैन जो है उन पर से हटा दिया गया है। तो वैसे आप याद रख सकते हैं कि यूसुफ पठान पर लगाया गया था 5 मंथ का, BCCI ने बैन लगाया था, लेकिन फिलहाल ये हट चुका है बैन, लेकिन क्वेश्चन बनता है बिकॉज लगा था बैन, तो आपने याद रखना है। उसके बाद जो है 21-year-old स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम मनाली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंटरनेशनल मेडल इन स्काइंग बाय विनिंग अ ब्रॉन्ज मेडल। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी ने इंटरनेशनल मेडल जीता है स्काइंग में भारत में, तो ये है आंचल ठाकुर, आंचल ठाकुर ने जीता है, और मनाली से है ये 21 साल के, तो ये भी आपने याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। टर्की में ये प्रतियोगिता चल रही थी जहां पे इन्होंने ये मेडल जीता, तो आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट टाइम मेडल जीता ये, फर्स्ट टाइम इंडिया से किसी ने मेडल जीता है इसमें। उसके बाद है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, द न्यूजीलैंड क्रिकेटर हु हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू स्कोर 3 सेंचुरीज इन इंटरनेशनल T20 मैचेस। देखिए T20 मैचेस में था, और ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन नहीं आया था वहां पे, आया था ODI मैचेस का आया था, तो वो विराट कोहली थे, और T20 मैचेस में अगर पूछा जाए कि 3 सेंचुरीज किसने लगाई, तो ये लगाई है कॉलिन मुनरो ने,
कॉलिन मुनरो, और इनकी जो सेंचुरीज रही है इंडिया, बांग्लादेश एंड वेस्ट इंडीज के खिलाफ रही, तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये कुछ करंट अफेयर थे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। बाकी आप कुछ अगर हम स्किप कर रहे हैं तो उसका मतलब है वो आप खुद से पढ़ सकते हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है थीम्स के क्वेश्चन, बिकॉज थीम का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है आजकल हर जगह। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं एक क्वेश्चन आपको नॉर्मली मिल जाता है थीम से रिलेटेड, तो थीम का क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लें जब भी आपने किसी एग्जाम में अपीयर होना है। तो फिलहाल देख लेते हैं थीम से रिलेटेड। सबसे पहले है 48th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इनकी जो थीम थी ये थी क्रिएटिंग अ शेयर्ड फ्यूचर इन अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड, ठीक है, तो ये इनकी थीम थी। और उसके बाद है 5 डे नेशनल यूथ फेस्टिवल, इनकी जो थीम थी ये थी संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सिद्धि, तो ये आपने याद रखना है। और जो ऑफिशियल एम्बलम ऑफ वेस्ट बंगाल है इनकी थीम थी बिस्वा बांग्ला, और ये डिजाइन किया था मिस ममता बनर्जी ने, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये कुछ थीम्स थी। नेक्स्ट कुछ अनदर जो हमारे करंट अफेयर्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले है इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट डिजाइन किया है जो CSIR, और CSIR नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरीज में बनाया, इसको डिजाइन किया है, डेवलप किया है, दोनों ही इंडिया में ही हुआ ये। इसका नाम है SARS-PT-1N, SARS-PT-1N इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट। उसके बाद है प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक जिसका नाम है HDFC बैंक, इसने 5 ट्रिलियन जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन कर लिया है, 5 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन। और उसके बाद जो है नारी, जो है नारी की आपने फुल फॉर्म याद रखनी है नेशनल रेपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर वुमेन, ये आपने याद रखना है कि नारी जो है स्कीम यूज की गई है, और इसका जो मीनिंग है ये जितनी भी वुमेन्स हैं उनको लगभग 350 सेंटर्स का एक ओपन ऑनलाइन पोर्टल मिल जाएगा जहां से वो अपनी स्कीम्स को देख सकते हैं, ठीक है, जितनी भी वुमेन्स हैं वो एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू 350 सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम को लॉन्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, तो ये है नारी स्कीम। और एक स्फूर्ति की आपने याद रखना है, स्फूर्ति की जो फुल फॉर्म है स्मार्ट फ्राइट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन, तो ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद है क्रिस्टल अवार्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्रिस्टल अवार्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सबसे पहले ये मिला केट ब्लेंचेट को, ठीक है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने हर साल देते हैं ये क्रिस्टल अवार्ड्स, तो इस बार जो है सबसे पहले केट ब्लेंचेट इनको मिला लीडरशिप इन राइजिंग अवेयरनेस ऑफ रेफ्यूजी क्राइसिस, और सर एल्टन जॉन को मिला ये फॉर हिज लीडरशिप इन द फाइट अगेंस्ट HIV/AIDS, और शाहरुख खान को मिला ये फॉर लीडरशिप इन चैंपियनिंग चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स राइट्स इन इंडिया, तो ये इन 3 पर्सन को मिला है, तो आपने याद रखना है। और नेक्स्ट है ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये हुआ पाकिस्तान एंड UAE में, हेल्ड हुआ ये 8 से लेकर 20 जन तक, और विनर रहे इंडिया, रनर अप पाकिस्तान, और पार्टिसिपेशन किस किस का था, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का, तो ये आपने यहाँ से याद रखना है। उसके बाद है ICC अवार्ड्स, ICC अवार्ड में यहाँ पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, कुछ इंपोर्टेंट जो है सबसे पहले मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये रहे विराट कोहली, और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्टीव स्मिथ, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली, एंड मेंस एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर हसन अली पाकिस्तान से। इसके बाद आपने याद रखना है T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर ये है यजुवेंद्र चहल, एंड इसके बाद आपने याद रखना है वुमेन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर एलाइस पैरी ऑस्ट्रेलिया से, बस इतने याद रखने हैं आपने, बाकी आप पढ़ सकते हैं, आपको PDF फाइल मिल जाएगी लगभग कुछ ही टाइम बाद, जैसे वीडियो ऑफलाइन होगी उसके बाद आपको मिल जाएगा। उसके बाद है आई क्रिएट की जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी, और इनका एम क्या है, इन्होंने टेक्नोलॉजी को एंड असिस्टेंट जो है इनको इनोवेट करना है इन्होंने, ठीक है, टेक्नोलॉजी को इनोवेट करना है ये इनका एम है आई क्रिएट, और इसको इनोग्रेट किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इसराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू, तो ये दोनों ने इसको डेवलप किया है, तो ये आपने याद रखना है। बाकी आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे कंप्लीट मैंने लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं अगर आपको डिटेल में देखना है। उसके बाद है 63rd फिल्म फेयर अवार्ड,
इसमें बेस्ट एक्टर मेल में इरफान खान को मिला है, और हिंदी मीडियम मूवी जो है इनकी, बेस्ट एक्टर फीमेल में विद्या बालन फॉर तुम्हारी सुल्लू, और बेस्ट फिल्म मिली है हिंदी मीडियम, बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं आश्विनी अय्यर तिवारी, ठीक है, बर्फी मूवी के लिए, ठीक है, बरेली की बर्फी, सॉरी। और फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ये मिला है न्यूटन को, फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर राजकुमार राव ट्रैप्ड के लिए, और फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फीमेल में जायरा वशीम फॉर सीक्रेट सुपरस्टार। तो बाकी आप पढ़ सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री अवार्ड्स। आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री अवार्ड ये हमने लास्ट टाइम जब एफकेट का एग्जाम नजदीक आ रहा था तब भी आपको बताया था कि ये जो भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही पार्लियामेंट में उसके लिए दिया जाता है। तो ये है, फिलहाल मिला है श्री भर्तृहरि महताब 2017 के लिए मिला है, श्री भर्तृहरि महताब 2016 में मिला था, श्री दिनेश त्रिवेदी 15 में मिला, श्री गुलाम नबी आजाद 14 में मिला, श्री हुकुमदेव नारायण यादव और 13 में मिला डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन में सिर्फ आप मैन सिंगल एंड वुमेन सिंगल के विनर याद रखिए, बाकी अगर आप याद कर सकते हैं अच्छी बात है, अगर आपका इंटरेस्ट है गेम से रिलेटेड, बाकी जितना भी आप याद करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। याद इन द सेंस आपको एक बार पढ़ना है, और अगर आप देखते होंगे मैचेस इनके देखते होंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैन सिंगल का टाइटल जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन और रोजर फेडर ने जीता है, और वुमेन सिंगर का कैरोलिन वोंजोनिकी डेनमार्क से। इसमें एक इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए ये बन जाता है कि जो रोजर फेडर है इन्होंने 20th टाइटल अपना जीत लिया है, और ये इस टाइम सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैन सिंगल टाइटल जीतने वाले बन चुके हैं, प्लेयर बन चुके हैं रोजर फेडर, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है आपके पास रिपब्लिक डे अवार्ड। तो रिपब्लिक डे अवार्ड में आपने सबसे पहले बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट जो है ये मिला पंजाब रेजिमेंट को, उसके बाद बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट कंटिजेंट अमंग द पैरामिलिट्री एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस, तो ये मिला आईटीबीपी को, ठीक है, आईटीबीपी के लिए मिला ये। और उसके बाद बेस्ट टैबल्यू में फर्स्ट प्राइज महाराष्ट्र, सेकंड प्राइज आसाम और थर्ड प्राइज छत्तीसगढ़ को मिला, ठीक है। बेस्ट मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री में मिला मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, इनको मिला, और मिला क्यों, बिकॉज इन्होंने स्टार्टिंग किया था खेलो इंडिया, इसके लिए मिला। तो ये आपने याद रखने हैं, बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट से पढ़ना है तो अच्छी बात है। उसके बाद है कुछ नई स्कीम्स जो है, न्यू प्रोग्राम्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो है सबसे पहले है तारे टीचर एसोसिएटशिप फॉर रिसर्च एक्सलेंस। तो इसका एम क्या है आप डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, वैसे मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कुछ पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं या कोई टीचर होते हैं जिन्होंने रिसर्च करनी होती है बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो रिसर्च नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है तारे। तो इसमें क्या होगा, एम क्या है इनका, कि जो भी इस तरह के कोई भी टीचर हैं, जो स्कॉलर्स हैं या फिर कोई भी टीचर है यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के भी अगर टीचर हैं, तो उनको अगर कोई भी रिसर्च करनी है, ठीक है, उस चीज को बढ़ावा देने के लिए और उनको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ताकि वो रिसर्च कर सकें, ठीक है, आगे बढ़ सकें वो। और कैसे किया जाएगा इसके लिए, रिसर्च के लिए उनको जो जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए वो उनको जितने भी गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटी हैं, आईआईएससी हैं, इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनमें उनको मौका दिया जाएगा जाने के लिए, तो वहां पे जाके वो कर सकते हैं जो भी उन्होंने रिसर्च करनी है। और उसके बाद जो नई स्कीम है वो है ओवरसीज विजिटिंग डॉक्टोरल फेलोशिप। तो ये पीएचडी स्कॉलर्स के लिए है, ओनली पीएचडी वालों के लिए। तो इसमें भी सेम वही है, जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनको एक स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि वो रिसर्च जो है अच्छे से कर सकें, तो इसको भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद है अवसर। तो अवसर का आप याद रखेंगे, अवसर का जो फुल फॉर्म है ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च, ठीक है, रिसर्च से रिलेटेड ही है, इसमें भी स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो ये आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से पूरा साल जितने भी आपके एग्जाम होंगे, पद्म अवार्ड जितने भी हैं इस साल में जितने भी आपके एग्जाम होंगे उनमें एक क्वेश्चन आप यहाँ से बनता ही बनता है, ठीक है, जितने भी इसके बाद एग्जाम होंगे तो उनके लिए आप याद रखेंगे पद्म अवार्ड्स में। सबसे
सबसे पहले पद्म विभूषण की बात करें, सबसे टॉप पर जो है पद्म विभूषण, तो इसमें आर्ट एंड म्यूजिक में मिला श्री इलाही राजा और श्री गुलाम मुस्तफा खान, और लिटरेचर एंड एजुकेशन में मिला श्री परमेश्वरन परमेश्वरन, ठीक है, इनको ये मिला है। उसके बाद पद्म विभूषण की अगर हम बात करें, पद्म विभूषण तो पद्म विभूषण में स्पोर्ट्स में मिला, स्पोर्ट्स में यानी कि बिलियर्ड्स एंड स्नूकर में श्री पंकज अडवाणी, और क्रिकेट में मिला श्री महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, और पब्लिक अफेयर्स में मिला श्री अलेक्जेंडर काडाकिन, रशिया से हैं, और स्पिरिचुअलिज्म में मिला श्री फिलिपोज मैर, और अदर में आर्कियोलॉजी में किसे मिला, श्री रामचंद्रन नागास्वामी, और आर्ट एंड पेंटिंग में मिला श्री लक्ष्मण पाई, लिटरेचर में मिला श्री वेद प्रकाश नंदा, और आर्ट एंड म्यूजिक में श्री अरविंद पारिख, ठीक है। तो यहाँ से पद्म विभूषण आप बिल्कुल याद रखेंगे, पद्म विभूषण भी, और पद्म विभूषण तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, पद्म भूषण भी आप कोशिश करेंगे मैक्सिमम जितने भी हैं, बिकॉज ज्यादा नहीं है। और आर्ट एंड म्यूजिक में श्री शारदा सिन्हा, ठीक है, ये मेल में मिला और ये फीमेल में, तो दोनों याद रखने हैं, बस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पद्मश्री जो है वो काफी डिवाइड कर दिया जाता है, काफी लोगों को प्रोवाइड किया जाता है पद्मश्री, तो इसमें जो है काफी सारे नाम है, तो अगर आपने पढ़ना होगा एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ फाइल जो भी आपको मिलेगी उसमें ये मिल जाएगा, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल जो है मैं पद्मश्री को यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्यूचर ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो टॉप 5 कंट्रीज जो आई प्रोडक्शन ऑफ रिपोर्ट में, WEF ने जो रिपोर्ट जारी की, तो उसमें सबसे पहले जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड चाइना, इंडिया जो है इसमें 30th नंबर पर आई है, ठीक है। और इसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें कि प्रोडक्शन रिपोर्ट में एक्चुअल में किया क्या उन्होंने और किस बेसिस पे ये रिपोर्ट तैयार की गई, तो वो सारा आपको मिल जाएगा, लिखा हुआ है यहाँ पे, डिटेल में आपको मिल जाएगा। उसके बाद है नेशनल ब्रेवरी अवार्ड 2017, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ब्रेवरी अवार्ड जितने भी दिए जाते हैं। तो सबसे पहले है भारत अवार्ड, तो ये दिया गया है नाजिया उत्तर प्रदेश से है इनको। उसके बाद है गीता चोपड़ा अवार्ड, ये दिया गया है नेत्रावती चवन कर्नाटका से, संजय चोपड़ा अवार्ड करणबीर सिंह पंजाब से, और बापू गांधी गांधनी अवार्ड जो है ये काफी लोगों को दिया गया है, तो ये आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, लेकिन मेन जो ये 3 है ये आपने जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। और अवार्ड बांटे किसने, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर ने, इन्होंने बांटे, और ये चाइल्ड्स को ही मिलते हैं ज्यादातर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास खेलो इंडिया, ये लॉन्च हुआ खेलो इंडिया जनवरी 2018 में, तो इसका जो मेन मोटिव था ये था कि जितने भी ग्रास रूट लेवल में जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, ठीक है, किसी विलेज में है, किसी सिटी में ही है, लेकिन बहुत ही छोटे लेवल पर जो है, जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनको निकालना है और उनको एक अच्छा प्लेयर बनाना है। तो ये 31 जन 2018 को लॉन्च किया, और इनका जो एंथम था ये था और खेलना चाहते हैं, ठीक है, ये इनका एंथम था, तो इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद है फैक्ट अबाउट वर्चुअल आईडी फॉर आधार। तो जो वर्चुअल आईडी बनाई जाएगी आधार कार्ड के लिए, बिकॉज आधार कार्ड जो है 12 डिजिट का आपका नंबर होता है, उससे रिलेटेड एक वर्चुअल आईडी आपको दी जाएगी, 16 डिजिट का एक रैंडम नंबर होगा। और इससे रिलेटेड क्या होगा, कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में, जैसे ये 16 डिजिट का नंबर होगा वर्चुअल आईडी, आधार कार्ड नंबर आपका 12 डिजिट का रहता है, लेकिन वर्चुअल आईडी जो है वो आपका 16 डिजिट का होगा, और ये कोई भी रैंडम नंबर होंगे, और इसको आप जितनी बार चाहेंगे उतनी बार ये रीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है, जितनी बार आप चाहेंगे आप इसको जनरेट करवा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप न्यू जनरेट करेंगे, पुराने वाला जो है वो आपका डीजेनरेट हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, मार्च 2018 से एक्सेप्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, और इसका जो लास्ट डेट रखी गई है, ठीक है, ये भी है जून 1, 2018 तक जो है सभी के पास ये वर्चुअल आईडी होनी चाहिए। वैसे मार्च 1, 2018 से ये स्टार्ट हो जाएगा, जितने भी एक्सेप्ट करने स्टार्ट कर देंगे। तो फिलहाल इसके बारे में आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट थे वो यही फैक्ट्स हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है PSLV C40, लॉन्च किया गया 12 जन 2018 को, लॉन्च कहाँ से हुआ, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और मेन सैटेलाइट कौन कौन सी लॉन्च की गई, कार्टोसैट 2 सीरीज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थी,
और 710 kg की सैटेलाइट थी इसमें। उसके बाद छोटी छोटी अदर सैटेलाइट्स भी थी, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो आपने मेनली याद रखना है PSLV C40 जो है लॉन्च हुआ, और लॉन्च हुआ ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, और इसमें मेन सैटेलाइट्स थी कार्टोसैट 2 जो 710 kg की थी। बाकी जो है वो 20 kg से लेस ही थी, तो मेन ये की आपने याद रखनी है। उसके बाद है आपके पास गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2018। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2018 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा में मिला है 3 बिलियन बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग, और बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल एंड कॉमेडी में मिला है लेडी बर्ड। उसके बाद है बेस्ट एक्ट्रेस इन मोशन पिक्चर ड्रामा, तो ये फ्रांसिस एमसी डोरमैन को मिला है, और बेस्ट एक्टर मैन में गैरी ओल्डमैन, ठीक है, डार्केस्ट स्टार जो मूवी है उसके लिए मिला है इनको। और एक ये आप ये याद रख सकते हैं बेस्ट मोशन पिक्चर एनिमेटेड कोको, ठीक है, ये कुछ आप याद रख सकते हैं, पढ़ना आपने सारा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताता जा रहा हूँ। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट इंडियाज फास्टेस्ट कंप्यूटर प्रत्यूष, तो ये भी आपने याद रखना है, प्रत्यूष जो है इंडिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर बन चुका है, और ये अनवील्ड हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटरोलॉजी IITM पुणे में। इसकी जो पीक पावर है यानी कि हाईएस्ट पावर है वो है 6.8 पेटाफ्लॉप्स, और इसके बारे में आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं कि 1 पेटाफ्लॉप्स जो है इज अ मिलियन बिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ठीक है, कितने ऑपरेशन हो सकते हैं, मिलियन बिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। तो आप देख सकते हैं 6.8 पेटाफ्लॉप्स जो है उसकी पीक पावर होगी जो प्रत्यूष कंप्यूटर है, ठीक है, और इसके बारे में भी की फैक्ट जो है आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और उसके बाद है एब्रिवेशन इन न्यूज, तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि नारी की फुल फॉर्म, नारी यूज किया गया तो नारी की फुल फॉर्म है नेशनल रेपोजिटरी ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन फॉर वुमेन, और आई क्रिएट की है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी। एंड लास्ट हमारा टॉपिक रहता है हर बार बुक्स इन न्यूज की, बुक्स कौन कौन सी रही जनवरी 2018 में, तो इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट बुक जो है ये लिखी है संजय मांजरेकर, और सिटीजन डेली लिखा है माई लाइफ माई टाइम्स, ठीक है, सिटीजन डेली माई लाइफ माई टाइम्स ये लिखा है शीला दीक्षित ने। तो ये हमारे कुछ करंट अफेयर्स हैं, अगर आपका कोई भी सुझाव है, कोई भी आपको लगता है कि कोई करंट अफेयर में कोई गड़बड़ है, वैसे हमने पूरे काफी ध्यान रखकर ही करंट अफेयर हम बनाते हैं, तभी इतना थोड़ा लेट ही अपलोड करते हैं, बट जितने भी करंट अफेयर होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम अपलोड करते हैं, लेकिन फिर भी आपका कोई सुझाव हो आप careerstudydefense@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है आज के करंट अफेयर्स में इतना ही है, फिलहाल आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं जल्दी जल्दी, बिकॉज अब आपके कमेंट जो है वो पढ़े जाएंगे जस्ट 5 to 10 मिनट्स के लिए। हाँ तो फिलहाल जो है काफी कमेंट्स यहाँ पे आ रखे हैं, तो फिलहाल अभी से जो कमेंट होंगे वो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। अजीत साहू जी बोल रहे हैं एफकैट एग्जाम की क्लास, एफकैट एग्जाम में देखिए सारा कुछ करवाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइए वहां पे हर चीज करवा रखी है, सिर्फ एक चीज नया करवाना है वो है आपका जो वेन डायग्राम में इस बार आया था, वेन डायग्राम में एक अलग टाइप आ रखी थी तो वो करवा देंगे, ठीक है, तो वो बिल्कुल हो जाएगा। और उसके बाद बोल रहे हैं दीपक राठौर जी सीपीओ के लिए, तो सीपीओ के लिए मैथ की वीडियोस देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो बिल्कुल जरूर डालेंगे। और एफकैट की क्लासेस देखिए अजीत जी बिल्कुल करवाया हुआ है, सारा कुछ करवाया हुआ है, तो फिलहाल तो आपको बस रिवाइज करना है, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए। हाँ सोनू जोशी जी हमारी जो क्लास है वो तो खत्म हो गई, आप थोड़े लेट हो गए, बट आपको ये सेशन ऑफलाइन भी मिलेगा, करंट अफेयर हमने किए हैं और आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, ठीक है। पूजा दुबे जी हेलो, गुड इवनिंग सुरेंद्र जी, हाँ कैसा हुआ आपका SSC का एग्जाम। सोनू जोशी जी एफकेट का री एग्जाम सिर्फ उनका होगा जिनका कैंसल हुआ है, ठीक है, और जब हमने कॉल की थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी यानी कि मंडे कहा था उन्होंने कि मंडे को आपका लिस्ट लग जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर कि किस किस का एग्जाम होना है, लेकिन अभी तक नहीं लगी है, तो लेट हो रहा है, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं एफकैट सी डेक के साथ जो इन्होंने
ज्वाइंट किया है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है अभी, लेकिन जल्दी ही ठीक हो जाएगा सभी। नहीं अभी तो कोई अमोल अहेर जी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ऋषभ मानकोटिया जी, अगर सिंपल इंटरेस्ट के कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि अभी नहीं किए हैं तो आप हमें careerstudydefense@gmail.com पर जितने आपके क्वेश्चंस हैं वो आप हमें वहां पे सेंड कर दीजिए। अगर आप हैंड रिटन नोट्स में सेंड करते हैं तो भी चलेगा, अगर आप एक पीडीएफ फाइल या फिर कुछ भी आप इस तरह से बना के एक कंप्यूटर में बना के फाइल भेजते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर तो हम डायरेक्ट उनको ऑनलाइन ही लाइव सेशन में ही सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर आप हैंड रिटन में भी भेजेंगे तो हम उनको खुद टाइप कर लेंगे, जैसे भी आप चाहें। आप क्वेश्चन बता दीजिए, बिकॉज हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन करवा दिए हुए हैं। हाँ हेलो लव कुमार जी, एसएससी की अभी तक तो प्रेपरेशन नहीं करवाते, लेकिन अब करवाएंगे नेक्स्ट टाइम जब भी एसएससी का एग्जाम आएगा, बिकॉज अभी तो एग्जाम चल रहे हैं तो अभी तो क्या प्रेपरेशन करवाना है। थैंक यू सोनू जोशी जी। अवधेश प्रजापति जी, यहाँ पे सभी का सेम कट ऑफ रहता है, एफ कैट में एससी एसटी ओबीसी का डिफरेंट कट ऑफ नहीं जाता है, डिफेंस में कहीं भी नहीं है इस तरह का, सेम कट ऑफ रहता है सभी के लिए। रिजल्ट के जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी है ज्योति शर्मा जी, जैसे ही आप डेट सेलेक्ट करेंगे तो मिनिमम आप 1 हफ्ते बाद भी अपना एसएसबी इंटरव्यू दे सकते हैं और मैक्सिमम आप 5 से 6 महीने बाद भी अपना एसएसबी इंटरव्यू दे सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप किसी भी टाइम दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल गुरबाज सिंह जी, आपको करंट अफेयर इस मंथ के भी करने होंगे, इस मंथ के यानी कि आप 15 मार्च तक कर लीजिए, काफी रहेंगे। और करंट अफेयर हमने करवाए हुए हैं, जनवरी के आज हो गए, फरवरी के 2-3 दिन में हो जाएंगे, सारे करंट अफेयर हमारे कवर हैं। हाँ लव कुमार जी, आपका सीएचएसएल का एग्जाम भी था आई थिंक। हाँ कोशिश करेंगे, जो भी एफकैट के लिए और ज्यादा इंपोर्टेंट होगा वो करवा देंगे। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल जो है आई थिंक आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सबसे ज्यादा डाउट सभी का यही है कि री एग्जाम किसका होगा, तो री एग्जाम सिर्फ उन्हीं का होगा जिनका कैंसल हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सभी का होना है। करण सिंह जी, आप फिर ऑफलाइन देख लीजिएगा, आपके कहने पर ही जल्दी थोड़ी क्लास आ गई, अदरवाइज हो सकता था 2-3 दिन बाद अभी क्लास आती। थैंक यू अजीत जी। करण जी, बस थोड़े टाइम बाद ये सेशन ऑफलाइन मिल जाएगा आपको और पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, तो वहां से आप देख लीजिएगा। वैसे मैंने सेशन डाला था, दिन में डाल दिया था, कल भी पूछा था आपसे और आप लोगों ने ही कहा था कि 9 बजे ठीक रहेगा टाइम। हाँ मार्क्स सोनू जोशी जी, मार्क्स सभी के वहां पे शो होंगे, हर एक स्टूडेंट के मार्क्स वहां पे बताए जाते हैं, चाहे कोई पास हो रहा है चाहे कोई पास नहीं हो रहा है, मार्क्स आप सभी के दिखाए जाएंगे, तो मार्क्स तो बिल्कुल सभी के मिल जाएंगे वहां पे। तो फिलहाल जो है आज की वीडियो में इतना ही, एंड होप्स हो कि आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे और जो आपके करंट अफेयर थे जनवरी 2018 के वो भी कंप्लीट हो गए होंगे। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।